हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल कॉम स्कॉलर दिस इज अ कंटिन्यूशन वीडियो ऑन प्लेस ऑफ सप्लाई इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस टू सेक्शन दैट इज सेक्शन टेन एंड इलेवन सेक्शन टेन क्या हो जाता है वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द लोकेशन ऑफ रेसिपेंट आर विद इन द इंडियन टेरेटरी एंड सेक्शन टेन में हम क्या निकालते दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स

ये कौन है ये है सप्लायर ये कौन है रेसिपिएंट राइट right? अब मान लीजिए ये कहां पर है दिल्ली में हैं. ये है ये कहां पर है जयपुर में है राइट right? अब मान लीजिए ए जो सप्लायर है वो क्या करता है वो रेंटिंग सर्विस प्रोवाइड करता है रिलेटेड टू अकोमोडेशन इन होटल राइट अब मान लीजिए एक जो सप्लायर है इसका एक होटल है वो कहां पर है मुंबई में है मुंबई में क्या है होटल है राइट तो इस केस में ये दोनों कहां पर है इंडिया में है तो सेक्शन लगेगा क्योंकि सर्विस निकाल रहे हैं राइट और अब इमेबल प्रॉपर्टी कहां पर है मुंबई में है तो अब मुंबई क्या बन जाएगा यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई राइट तो देखो यहाँ पर प्लेस तो पर क्या होगा मुंबई लोकेशन सप्लाई क्या होगा डेली तो टैक्स कौन सा लगेगा आई जी एस टी राइट right? अब मान लीजिए सप्लाय कहाँ दिल्ली का है होटल भी कहाँ दिल्ली में ठीक है तो प्लेस दिल्ली लोकेशन सप्लाई दिल्ली तो टैक्स लगता है सी जी एस टी प्लस एस जी एस टी राइट यानी यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट के लोकेशन से कोई लिए, कोई लेना देना नहीं है राइट right? लेकिन सेकंड पॉइंट में पर देखो क्या लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है प्रॉपर्टी इज लोकेटेड आउट इंडिया

और रेस्टिपेंट और सप्लायर uh, uh, दोनों इंडिया में हैं लेकिन प्रॉपर्टी बाहर है तो इस केस में देखेंगे रेस्टिपेंट के लोकेशन क्या होगी वो क्या बनाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई राइट प्लेस ऑफ देखो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमेशा ना कन्फ्यूजन रहती है तो इसके लिए देखिए मैंने एक चार्ट बनाया हुआ जहाँ से देखिए यहाँ पर अच्छा चलो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम थर्टीन करेंगे को एक बार और समझ लेंगे अच्छे से पहले आगे पढ़ लेते हैं पॉइंट नंबर टू के यहाँ पर पॉइंट नंबर देखा है पर्सनल ग्रूमिंग हेल्थ सर्विसेज ब्यूटी ट्रीटमेंट फिटनेस रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विसेज है तो इस किस्म काम्ड अब खुद ही प्रैक्टिकल लाइफ देखिए आप, आप मान लीजिए अगर आप किसी रेस्टोरेंट में अगर आप खाना खाने जा रहे हो तो क्या आपसे कस्ट जो होटल होटल का मैनेजर है या रेस्टोरेंट का मैनेजर है वो क्या आपसे ये पूछता है कि भाई आप जो कहां है कहाँ आए हो

इसका देखिए एग्जाम्पल देख सकते हैं जैसे मान लीजिए एक ऑफिस है ठीक है कोई मान लीजिए कंपनी है जैसे मान लीजिए ए लिमिटेड कंपनी है उसका ऑफिस सपोज है ये जम्मू में जम्मू में है राइट अब इनका जो ऑफिस है अब ये जो है अपने एम्प्लॉय को जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को वो और वो कहाँ पे कर रहे हैं दिल्ली में है ठीक है और दिल्ली में मान लीजिए कोई एक और कंपनी है बी लिमिटेड मतलब ए लिमिटेड जो अपने बी लिमिटेड में अपने एम्प्लॉयज को भेज के वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो वहाँ पर उनको पार्टिसिपेट करने के लिए भेज रहे हैं ताकि हमारे एम्प्लॉयज जो देखो काफी अच्छे ग्रो करें और हमारे लिए आगे जाके बेनिफिशियल हो नहीं तो इस केस में क्या लिखा हुआ है अगर बी टू बी ट्रांजेक्शन है मतलब समझो ना बी टू बी मतलब मतलब यहाँ पर जो है Uh, जो रेस्टिपेंट और सप्लायर दोनों कौन कोनेे टू बिजनेस है यानी दोनों के दोनों कोने, कोने जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो उसके लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन दैट वुड बी प्लेस ऑफ सप्लाई तो देखो ट्रेनिंग करने कहा जा रहे हैं वो दिल्ली में जा रहे हैं तो वो क्या बन प्लेस ऑफ सप्लाई यही बन जाएगा क्योंकि वो दिल्ली वाला जो वो जी एस टी है तो यही क्या बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई

यहाँ पर ऑफिस Uh, यहाँ पर देखिए लिखा क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है कि बी टू बी लोकेशन ऑफिसर से रजिस्टर्ड पर्सन जैसे माने यहाँ पर देखिए इसी केस में uh, जो दिल्ली है जो जहाँ पर जो एम्प्लॉयज ट्रेन हो रहे हैं तो सप्लायर का यहाँ पर बी लिमिटेड कंपनी है तो इन केस में देखेंगे कि भाई ये रजिस्टर्ड कहाँ पर दिल्ली में है तो दिल्ली क्या बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई राइट

अगर बी टू बी ट्रांजेक्शन है तो यहाँ पर देखेंगे सप्लायर की जो सप्लायर जहां पर रेस्ड होगा ठीक है वही मान लेंगे लेकिन अगर हम मान लीजिए बी टू सी हुआ यानी कि जो uh, uh, क्या नाम है सप्लायर है वो रेस्ट नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा वही क्या मन जाएगा यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ सर्विस हुई बस वही होगा राइट देन कमिंग टू पॉइंट नंबर फोर एडमिशन टू एन इवेंट और अम्यूजमेंट पार्क सीधी सी बात अगर मान लीजिए आप किसी अम्यूजमेंट पार्क में जा रहे हो तो वो वहाँ तो का जो मैनेजर आपसे तो पूछता नहीं कि आप राइड करने के तो आए हो लेकिन कहाँ से आयोजन दिल्ली से आए हो चेक करने का हमारे सर क्या मतलब है तो इस केस में जहाँ पर क्या होगा वे वेयर सप्लाई मीनस जहाँ पर अम्यूजमेंट पार्क जहाँ पर लोकेटेड है वही प्लेस ऑफ सप्लाई है अब इस केस में तो हर हालत में सी जी एस टी प्लस एस जी टी होगा या तो सी एस टी प्लस यू टी जी एस टी होगा

Uh, बड़े बड़े इवेंट कराता हूँ मेरे काम यह है कि मैं इवेंट इवेंट और मैं इवेंट मैनेजर हूँ और बड़े बड़े इवेंट कराता हूँ ठीक है तो मैं दिल्ली में हूँ सप्लायर हूँ ठीक है अब मैंने क्या कर रहा हूँ मैं एक इवेंट करा रहा हूँ मान लीजिए मैं जयपुर में एक इवेंट करा रहा हूँ जयपुर में एक इवेंट करा रहा हूँ ठीक है और मैंने क्या करा है कि हरियाणा से एक सिंगर बुला लिया हरियाणा से एक सिंगर बुलाया लेकिन मैं कहाँ पे करा रहा हूँ जयपुर में करा रहा हूँ ठीक है तो इस केस में बी टू बी है मीन्स मैं भी रेचड हूँ और जो हरियाणा जो सप्लायर जो सिंगर है सप्लायर वो है क्योंकि वो मुझे सप्लाई दे रहा है वो सिंगर है तो भाई मैं तो पैसे उसको दूंगा कि भाई आप तुम जयपुर में आओ और यहाँ पर जो इवेंट पे, इवेंट पे परफॉर्म करो गाना गाओ ठीक है तो अब इस केस में हरियाणा जो सिंगर है वो कौन है सप्लायर है मैं दिल्ली में हूँ मैं कौन हूँ यहाँ पर रेसिपेंट सॉरी तो यहाँ पर ये मैं रेसिपेंट हूँ सॉरी

जयपुर क्या मान जाएगा यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई राइट बट थर्ड केस भी मान लीजिए अगर इवेंट आउटसाइड इंडिया हो तो लोकेशन ऑफ रेस्टिटल जैसे मान लीजिए मैं दिल्ली में रेस्टोरेंट हूँ और एक हरियाणा में है वो हरियाणा में रेचर्ड है लेकिन इवेंट का अगर मान लीजिए इवेंट कर रहा मैं अमेरिका में तो उसके केस में देखेंगे रेस्टोरेंट का लोकेशन क्या होंगे मैं कौन हूँ रेस्टोरेंट हूँ तो मेरी लोकेशन क्या पर दिल्ली में तो वही मान जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई रिपीट बी टू बी है तो लोकेशन ऑफ सब पर्सन

तो अगर टैक्सेबल केस बनता है तो यहाँ पर जी टी के ऑप्शन मिलता है कि या तो वो आर के एम पर बेसेंगे तो फोर चार्ज के बेस देंगे ठीक है थीके? तो यहाँ पर देखिएगा अगर मान लीजिए जी टी सर्विस यानी या सप्लायर किसको दे रहा है मान लीजिए किसी बिजनेस मैन को दे रहा है तो देखेंगे लोकेशन ऑफ बट अगर वही सेम अगर वो सर्विस किसी ऐसे कस्टमर को दे रहा है जो कि बिजनेस पर्सन नहीं है तो उसमें देखेंगे गुड्स आर बेसिकली हैंड ओवर जिस लोकेशन पे गुड्स को हैंड ओवर करें वही महीने की जैसा मान लीजिए अगर मेरा कोई ऑफिस है मेरा ऑफिस है मेरा ऑफिस कहाँ पर है? दिल्ली में है मैंने अपने एम्बुलेंस को मान लीजिए पिकनिक में घुमाने लेके जा रहा हूँ तो मैंने एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी को फोन करा कि भाई आप मुझे एक बस दो हाई करना चाहूँगा मैं तेरे को तीन दिन के लिए आपकी बस हाई करनी है राइट उन्होंने मुझे चार्ज करा सपोज टेन थाउजेंड पर डे यानी कि तीस हजार रुपये में जो है

That would be place of supply. देखो पे होगा तो तो देखेंगे तो बस काम ठीक है में क्या लिखा हुआ देखिए यानी कि से पैसेंजर जहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट है वही बन जाएगा इसका एक एक एग्जाम्पल एक, एक 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 चलते कोई दिल्ली से हरियाणा जा रहे हैं ठीक है ठीके? आप मान लो मैं कौन हूँ मैं कस्टमर हूँ मैं एक नॉर्मल पैसेंजर हूँ ठीक है तो यहाँ पर प्लेसेस भलाई क्या होगी यहाँ पर देखेंगे मान लीजिए कोई एक ट्रैवल एजेंसी की बुक बस है और वो मान लीजिए दिल्ली में रही है दिल्ली में रही है मैंने दिल्ली से अपनी जर्नी स्टार्ट करी और हरियाणा तक जा रहा हूँ मैं ठीक है तो इस केस में प्लेस सप्लाई क्या होगा प्लेस भलाई क्या होगी मैं कस्टमर हूँ मैं बिजनेस नहीं हूँ तो इसमें जहाँ से मैंने जर्नी स्टार्ट करी है यानी कि दिल्ली वही क्या मान जाएगी प्लेस टू सप्लाई राइट लेकिन अगर मान लीजिए वो ट्रांसपोर्ट एजेंसी अगर हरियाणा में रजिस्टर्ड है तो हरियाणा में रजिस्टर्ड है तो और मैं कहा से मेरी जर्नी से है दिल्ली से तो प्लेस सप्लाई तब भी दिल्ली मानी जाएगी लेकिन इस केस में आपका आई जी एस सी लगेगा मैं ट्रांसपोर्ट एजेंसी रिश्ते कहां पर है हरियाणा में जर्नी कहां से स्टार्ट हुई है दिल्ली से हरियाणा जा रही है बस राइट अब मैंने जर्नी कहा स्टार्ट करी दिल्ली से तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी मैं कस्टमर हूं मैं कोई बिजनेस मैन ही हूँ ठीक है तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी जहां से जर्नी स्टार्ट हुई है दिल्ली से तो वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी और प्लेस ऑफ सप्लाई प्लेस लोकेशन ऑफ सप्लाई कहां पर है वो कहां पर रेस्टेड है हरियाणा में तो क्या लगेगा एल जी एस टी और अगर यही ट्रेवल एजेंसी अगर हमारे दिल्ली में रेस्टेड होते हैं और दिल्ली से ही स्टार्ट हो रही है तो क्या लगेगा आपका सी जी एस टी प्लस एल जी एस टी राइट चलिए नाउ मूविंग टू पॉइंट नंबर एट सर्विसेज ऑन बोर्ड अ कन्वेंस यानी कि ऑन बोर्ड अगर आपने कोई सर्विस ली है ड्यूरिंग जर्नी तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी तो उसके साथ लोकेशन ऑफ फर्स्ट स्केड्यूल पॉइंट दैट मीन्स जहाँ से आपने सर्विस अपनी जर्नी स्टार्ट करी है वही होगा जैसा मान लीजिए मान लीजिए अब आप जो है दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं ठीक है अब आपने क्या करा दिल्ली में अपने फ्लाइट पकड़ी अब मान लीजिए बीच में मान लीजिए अगर आप कोई बीच में एक स्टेट आया जैसे मान लीजिए स्टेट आया सपोज़ एम ठीक है फिर उसके बाद जो है दूसरे एक और स्टेट आया ठीक है अब इसमें क्या है मान लीजिए आपने जो है जब दिल्ली से यहाँ जा रहे थे एमपी पी आपने बोला एक सर्विस आपने ली ठीक है मान लीजिए जैसे आपने बोर्ड जैसे मान लीजिए चलो कि एक नेटफ्लिक्स के आपने सब, सब, लिए सर्विस ली और आपने पेमेंट कर दी कि भाई चलो इतने में मीटर नहीं चलो नेटफ्लिक्स पे एक मूवी देख लेते दे। ठीक है तो अब अब आपने उन, आपने उनको पेमेंट करी और आपके जो है ऑनबोर्ड आपको जो है सब्सक्रिप्शन मिल गया इसका ठीक है तो आपने क्या प्लेन से तो आप खिड़की से विंडो से नीचे तो देखोगे नहीं कि भी मैंने सर्विस कहां से ली तो एम पी प्लेस तो सप्लाई होगा

ये प्लेन मान लीजिए कहीं और से आ रहा हूँ एग्जाम्पल में मान में लीजिए जम्मू से आ रहा है ठीक है जम्मू से फ्लाइट आ रही है दिल्ली उतरी आप पैसेंजर हो और आप दिल्ली से चढ़े और आपने मान लीजिए ऑन बोर्ड कोई सर्विस ली तो अब इस केस में प्लेस सप्लाई क्या हो जाएगा जम्मू क्योंकि वो प्लेन जो है वो जम्मू से आ रहा है इसमें आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है उससे कोई मतलब नहीं है उस प्लेन की जर्नी कहां से जुटी वो देखेंगे राइट 9. आप तो तो आपकी पूरी आपकी डिटेल होती है कि आप कहा रहते तो हो ठीक है तो क्या लिखा हुआ देखो लोकेशन ऑफ रेसिपेंट होगी हमेशा क्योंकि बैंक जो है तो अगर बैंक आपके रिकॉर्ड मेंटेन रखता है और आप एक सर्विस दे रहे हैं तो उस केस में क्या लोकेशन ऑफ रेस्टोरेंट ऑफ द सर्विस इज इन रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर यानी कि आपकी जो लोकेशन होगी वही मानेगी प्लेस ऑफ सप्लाई लेकिन मान लीजिए इन केस अगर कुछ ऐसा केस आया जहाँ पर आपने तो आप बैंक में दूसरी बैंक ब्रांच में जाकर आप कोई सर्विस ले रहे हो और उनके पास आपसे कोई मान लीजिए आपने कोई ड्राफ्ट भी बनवाया अब ड्राफ्ट बनाते टाइम आपसे कोई एड्रेस तो पूछता नहीं है बट सर्विस तो ली है ठीक है चार्ज भी लगेगा जी एस टी भी लगेगा तो इस केस में क्या होगा प्लेस लोकेशन ऑफ सप्लायर वही क्या बन जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई नंबर दैट मींस रिलेटेड टू इंश्योरेंस सर्विस अब देखिए इंश्योरेंस सर्विस अगर आप थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो इसमें हंड्रेड के लिए ऐसा है अगर मान लीजिए किसी कंपनी से अगर आपको इंश्योरेंस सर्विस ले रहे हो तो इंश्योरेंस कंपनी के पास तो हर क्लाइंट के ऊपर हर क्लाइंट का एड्रेस तो होगा ही जिसको वो सर्विस दे रहे हैं तो इसके उसमें देख रहे हैं कि सर्विस किसको दे रहे हैं मान लीजिए बी टू बी को दे रहे हैं तो लोकेशन ऑफ सबसे रजिस्टर्ड पर्सन अगर रेसिडेंट को दे रहे हैं तो फिर क्या देखेंगे देन एलेवन पॉइंट एडवर्टीजमेंट सर्विसज टू गवर्नमेंट भाई मान लीजिए कोई सेंट्रल uh, गवर्नमेंट है ठीक है अब उस वो सर्विस दी किसको गवर्नमेंट को दी है भाई मान लीजिए मैं कौन हूँ मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस है मेरा मैं पूरे देश में मैं जो जो एडवर्टीजमेंट का काम का काम का का करता हूँ ठीक है मान लीजिए मेरे को किसी मंत्री की फ़ोटो लगवानी है ठीक है तो इस केस में क्या होगा मैं जिस स्टेट में जहाँ जहाँ पर बैनर लगा रहा हूँ चाहे पोस्टर लगा रहा हूँ चाहे होर्डिंग लगा रहा हूँ स्टेट वाइज जितना प्रोपोर्शन होगा उसके हिसाब से वो जीएसटी लगेगा राइट right? क्या लिखा हुआ है ईच ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरी वेयर द एडवर्टीजमेंट इज ब्रॉडकास्टेड दैट मीनस टेलीविजन हो गया ठीक है तो वो उसके अकॉर्डिंग होगा और अगर मैंने कोई मल्टीपल स्टेट्स में ऐसा करा तो प्रपोर्सन बढ़ दिया क्लियर देन पॉइंट नंबर ट्वेल्व टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज है इस केस में देखिए आपके पास आती है रिलेटेड टू इंटरनेट फिक्स लाइन डी टी ए सर्विस तो उस केस में देखेंगे लोकेशन ऑफ रेसिपेंट यानी कि जहाँ पर माने जैसे आप हो आपने एयरटेल कंपनी को फोन करके आप घर पे आके हमारे जो है इंटरनेट फिक्स लगा दी फाइबर लाइन बिछा दी या आपने बोला एक डिश डिश इंटरन लगा दिए ठीक है तो इस केस में देखेंगे जहाँ पर वो इक्विपमेंट इंस्टॉल हुआ रेसिपेंट तो वही क्या ऑफ लाइन राइट देन सर्विस आई रिलेश टू पोस्टपेड और प्रीपेड देखिए पोस्टपेड में तो सीधा है, में देखें है सीधा पोस्ट में देखेंगे लोकेशन ऑफ रेस वो कैसे आएगा भाई सीधे होता है पोस्ट तो बिल बिल बन के आता है तो देखेंगे कस्टमर का बिल बिलिंग एड्रेस क्या है वो क्या बनेगा प्लेस प्रेस तो सप्लाई बट प्रीपेड में कैसे करेंगे भाई प्रीपेड में देखिए दो ऑप्शन बनते हैं पहले तो देखो ये होता था कि प्रीपेड में कि भी लोग क्या करते थे कूपन जा कूपन लेते थे ठीक है वो डीलर के पास गए कूपन खरीदा स्क्रैच करा और अपना रिचार्ज करा दिया तो उस केस में अगर मान लीजिए अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर से अगर आप कूपन परचेस का कर रिचार्ज करा रहे हो तो डिस्ट्रीब्यूटर के लोकेशन को क्या बनेंगे प्लेस पढ़ाई बट अगर मान लीजिए अगर आपने ऑनलाइन रिचार्ज कराया तो उसको देखेंगे आपकी आई एस टी के अकॉर्डिंग यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के अकॉर्डिंग आपके जो लोकेशन को क्या बनेंगे प्लेस सप्लाई राइट तो वही सिम कैसे देखें प्रीपेड में देखेंगे वाउचर का एजेंट और अदरवाइज लोकेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे राइट ना वो भी पॉइंट नंबर सेक्शन नंबर थर्टीन सेक्शन थर्टीन में क्या यहाँ पर रेसिट या फिर सप्लायर uh, दोनों में से कोई इंडिया in है लेकिन हम क्या रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू सर्विसेज चलिए पॉइंट नंबर वन पढ़िएगा सर्विसेज सप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स विच आर रिक्वायर्ड टू मेड फिजिकली अवेलेबल तो क्या हो गया लोकेशन वे सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्मड ऐसा मान लीजिए अगर आप कोई गुड्स जो है इम्पोर्ट कर रहे हो आप कोई गुड्स जो मान लीजिए इम्पोर्ट कर रहे हो ठीक है अब गुड्स इम्पोर्ट क्यों कर रहे हो मान लीजिए आप रेगुलर यूज के लिए कर रहे हो आपने मान लीजिए इम्पोर्ट करने की सर्विस ली बट डिलीवरी चार्जेस लिए डिलीवरी सर्विस ली तो वो भी क्या सर्विस ही है तो वो कहाँ से मान लीजिए अमेरिका से अपने कोई गुड्स आ रहे हैं देखिए जब गुड्स आएंगे तब, तब तो आपका कस्टम ड्यूटी लगे ही लगेगी लेकिन डिलीवरी पे तो आपका टैक्स लगेगा ना जीएसटी वो कौन सा लगेगा आई लगेगा तो उस किसम में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी क्या होगी लोकेशन वे सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म दैट्स इट राइट देन सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है सर्विसेज सप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स बट फ्रॉम अ रिपोर्ट लोकेशन बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जैसे मान लीजिए आप अपने लैपटॉप में कोई एक सॉफ्टवेयर अपडेट करना चाह रहे हो रिपेयर करना चाह रहे हो कुछ सॉफ्टवेयर में इशू आ गया आपने क्या करा आप आप कौन डिपेंड हो आपने कोई ऐसा सप्लायर ढूंढा जो कि इंडिया से बाहर है

इंपोर्ट कर आपने करे इसलिए क्योंकि आपको एक्सपोर्ट करना है सर इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं एक्सपोर्ट करने मेरा कोई बिजनेस है मैं पहले इंपोर्ट करता हूँ बाद में एक्सपोर्ट करता हूँ तो इस केस में जो है ये पॉइंट मेरे में आ, मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे या फिर जैसे मान लीजिए अगर मैंने क्या कर मेरा कोई बिजनेस है रिपेयर का ठीक है मैं क्या करता हूँ पहले इम्पोर्ट करता हूँ रिपेयर करता हूँ फिर उसके बाद एक्सपोर्ट कर देता हूँ तो भी ये पॉइंट अपलीकेबल नहीं होगा देन सेकेंड पॉइंट सर्विसिज विच आर रिक्वायर्ड रिक्वायर द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द रेसिपेंट दैट मीन्स मैं सर्विस ऐसे कर रहा हूँ की रेसिपेंट कहाँ पर है मान लीजिए सॉरी uh, हाँ मान लीजिए रेसिपेंट कहाँ पर है उसकी जरूरत है फिजिकली तो क्या होगा लोकेशन वे सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म जैसे मान लीजिए अगर uh, मान लीजिए कि मैं डॉक्टर हूँ uh, काफ़ी प्रोफेशनल हूँ मेरा नाम है जैसे इंडिया, इंडिया में अब मान लीजिए मुझे दुबई में किसी ने बुला लिया कि आप तो यहाँ पर जो है हमारी ट्रीटमेंट करी है सर्विस है तो मैं कहाँ पर शेड्यूल हूँ इंडिया में हूँ दिल्ली में हूँ तो देखेंगे लोकेशन वे सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म प्लेसेस वाले क्या होगी दुबई क्लियर देन सर्विसेज सप्लाइड डायरेक्टली इन रेटेड टू इमोल प्रॉपर्टी फिर से आगे इमूल प्रॉपर्टी बट यहाँ पर क्या है दोनों में से कोई एक है कि सप्लायर या दोनों में से कोई एक बाहर है तो उस क्वेश्चन कहेंगे कि अमूल प्रॉपर्टी कहाँ पर लोकेटेड वही प्लेसेस वाले मान जाएगी मान लीजिए मेरे मैं कहाँ पर हूँ रेसीपेंट को लूँ मैं दिल्ली में ठीक है और मान लीजिए मैं बाहर गया और बाहर मैंने कोई एक होटल की सर्विस ली बाहर मैंने होटल की सर्विस ली तो उस क्वेश्चन कहेंगे प्रॉपर्टी जहाँ पर लोकेटेड है वही क्या मनेगा प्लेस वालाई राइट या मान लीजिए बाहर से कोई यहाँ पर आ रहा है बाहर से कोई आ रहा है प्रॉपर्टी कहाँ पर है इंडिया में लोकेटेड है तो प्लेस वाले क्या मानेगी इंडिया की मन जाएगी क्लियर बस इस केस में देखेंगे सी ज्यादा कि प्रॉपर्टी कहाँ पर हो गई कुछ नहीं ठीक है इसके क्लैरिटी कर यहाँ पर एक चार्ट देख लीजिए अगर प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है आउटसाइड इंडिया है चाहे सेक्शन ट्वेल्व देख लो चाहे सेक्शन थर्टीन देख लो अगर सेक्शन ट्वेल्व में हमने क्या पढ़ा था अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी बाहर है तो क्या देखेंगे प्लेस ऑफ लोकेशन ऑफ इमूल प्रॉपर्टी इन केस प्रॉपर्टी इज लोकेटेड आउट इंडिया तो क्या बनेगा प्लेस ऑफ ब्लैक क्या होता है लोकेशन ऑफ रेसिपियन है अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी बाहर है और रेसिपेंट और सप्लायर दोनों इंडिया में हैं तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानते हैं लोकेशन ऑफ रेसिपेंट ये भी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा था लेकिन अगर थर्टीन पे क्या बना है रेसिपेंट या या फिर सप्लायर दोनों में सिर्फ एक बाहर है और प्रॉपर्टी भी बाहर है तो उसके देंगे लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी क्लियर देन पॉइंट नंबर एडमिशन टू और ऑर्गेनाइजेशन एन इवेंट वैसे दिस बात है जैसे मान लीजिए मैं दुबई से कोई एक जो है सिंगर को बुला रहा हूँ कहाँ से बुला रहा हूँ मैं दुबई से बुला रहा हूँ ये कौन है सप्लायर ठीक है मैं कहाँ पर हूँ इंडिया में हूँ और मैं मान लीजिए दिल्ली में हूँ ठीक है अब इस केस में मैं चाहे रजिस्टर्ड हूँ अच्छे हूँ कोई मतलब नहीं है मैं इवेंट मान लीजिए मैं करा रहा हूँ मुंबई में

मान लीजिए कोई एनआरआई आया है ठीक है अब वो इंडिया में आकर कोई बैंकिंग सर्विस ले रहा है तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी लोकेशन ऑफ सप्लायर क्यों क्योंकि यहाँ पर बैंक के पास तो रेस्टोरेंट की, लो, की लोकेशन आ, बिलिंग एड्रेस होगा नहीं ठीक है तो इस केस में देखेंगे सप्लायर की सर्विस क्या सर्विस जहाँ से उसने दी है वो क्या प्लेस ऑफ सप्लाई राइट अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरमीडिएट सर्विसेज मतलब क्या है जैसा मान लीजिए को, कोई एन आर आई आए अब मान लीजिए उसने मुझे अप्रोच करा कि मुझे कोई फाइनेंशियल सर्विस चाहिए आपसे लेकिन मैंने मैंने इसको अप्रोच करा बैंक को आई रिपीट जैसा मान लीजिए ये इंडिया का बेस है ठीक है मान लीजिए कोई दुबई का पर्सन है ये कहाँ पर है दुबई में है ठीक है ये कौन है रेसिपियट मैं कहाँ पर हूँ जैसे मान लीजिए मैं दिल्ली में हूँ इसने मुझे अप्रोच करा मैं कौन हूँ सप्लायर इसने बोला मुझे, मुझे आपसे कोई फाइनेंशियल सर्विस चाहिए मैंने बोला ठीक है अब मैंने क्या करा मान लीजिए मैं दिल्ली में ही कोई बैंक है मैंने उनको अप्रोच करा और मैंने उनसे उनके हेल्प से मैं इस पर्सन को जो है कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ तो इस केस में मैं कौन हूँ मीडिएटर हूँ लेकिन एक्चुअल सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है बैंक लेकिन यहाँ पर दुबई वाले ने जो पर्सन है उसने मुझे अप्रोच करा बैंक को नहीं करा तो इस केस में मैं सप्लायर में डीम सप्लायर माना जाएगा तो इस केस में मेरी लोकेशन माना जाएगी राइट तो अगर मान लीजिए पर्सन बैंक को अप्रोच करता है तो बैंक की जो लोकेशन होगी वही क्या मानी जाएगी प्लेस सप्लाई बट अगर वही सेम पर्सन अगर किसी इंटरमीडिएट को को अप्रोच करता है तो इंटरमीडिएट जहाँ जहाँ पर वो आ, उसकी जो लोकेशन होगी जहाँ से वो सर्विस कर रहा है वही प्लेस सप्लाई मानी जाएगी ना पॉइंट नंबर सिक्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अदर देन बाय वे ऑफ मेल और कुरियर तो इसके देखेंगे डेस्टिनेशन यानी कि गुड्स जहाँ पर अल्टीमेट जहाँ पहुंचे वही क्या मानेगी प्लेस ऑफ अपलाई सर्विसेज इन रिलेशन टू पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन ठीक है अच्छा याद करना यहाँ पर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन है कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर इस किस्म होगा जहाँ से पैसेंजर ने जर्नी स्टार्ट करी है वही क्या बनेगी प्लेस ऑफ सप्लाई राइट ऐसा मान लीजिए uh, मैं मान लीजिए इंडिया से दुबई जा रहा हूँ ठीक है तो जहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई वो क्या बनेगी प्लेसेज बल आएंगे पैसेंजर यहाँ पर रहेगा ना यहाँ पर ऑन बोर्ड का सर्विस नहीं आ रहा मैं यहाँ पर यहाँ पर बात हो रही है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज तो इस केस में क्या बनेगा इंडिया यानी कि मुंबई से यानी कि यहाँ मुंबई से दुबई जा रहा हूँ तो मुंबई क्या बनेगी प्लेसेज पर ठीक है अच्छा मैं वापस आ रहा हूँ माना दिल्ली से मैं दुबई से अगर मैं मुंबई आ रहा हूँ तो फिर दुबई का बनेगा प्लेस पर यानी या अल्टीमेटली जहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई है पैसेंजर की तो वो क्या प्लेस ऑफ सप्लाई नंबर एट सर्विस अब वही सर्विस आ गया तो यहाँ पर लोकेशन ऑफ फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ ऑफ द द देंस यानी कि जहां से उस प्लेन की प्लेन की जर्नी स्टार्ट हुई है वही क्या मानेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑन बोर्ड अगर आप सर्विस ले रहे हो ऑन बोर्ड अगर आप सर्विस ले रहे हो मान लीजिए अगर आप लंडन से आप इंडिया आ रहे हो आपके मान लीजिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है आपकी इंडायरेक्ट है मान जब पहले प्लेन लंदन से चढ़ा और फिर दुबई उतरा फिर दुबई के बाद वो मुंबई में आ रहे हैं या दिल्ली में आ रहे हैं ठीक है तो एक आपकी इनडायरेक्ट जर्नी है तो इस केस में देखेंगे कन्वींस यानी कि माने जब आप दुबई से इंडिया आ रहे हो तो देखेंगे प्लेन कहाँ से आ रहे हैं लंडन से तो वो प्लेन लंडन वाला क्या बनेगा प्लेस ऑफ्लाई यानी कि लंडन क्या बनेगी प्लेस ऑफ सफ्लाइन देन नाइन पॉइंट सर्विस टू ओ आई डी ए आर दैट मीन्स ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटा एक्सेस ट्रेबल दैट मीन्स यूट्यूब वाली सर्विस नेटवर्क वाली सर्विस अमेजोन प्राइम ये सब तो इसके देखें लोकेशन ऑफ रेसिपमेंट ऑफ सर्विस यानी कि अगर मान लीजिए बाहर से कोई सर्विस ले रहे हो अगर आप ठीक है आप कवर इंडिया में हो तो रेसिपमेंट ही की लोकेशन क्या बनेगी प्लेस ऑफ सप्लाई राइट दिस इज द ऑल अबाउट प्लेस ऑफ सप्लाई तो यहाँ पर चार सेक्शन कवर है आपके सेक्शन टेन एलेवन ट्वेल्व एंड थर्टीन याद रखना चारों सेक्शन जो कहा कवर आते हैं कहां पर होते हैं आई जी एस टी एक्ट में राइट सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल थैंक यू